हेलो क्यूट लेडीज़ एंड गर्ल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या मेकओवर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। ये सेकंड पार्ट है मेरी वीडियो का, जिसमें मैंने ये पेस्ट बनाया है, और देखते रहिए पेस्ट मैंने कैसे बनाया है। और दोनों वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए। मेकअप करने से पहले हमें अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, तो मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, पॉन्ड्स वाला। आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको सूट करता हो। फेस अच्छे से मॉइस्चराइज करने से मेकअप अच्छा ज़्यादा टिकता है और अच्छा इसे अच्छा लगता है, ऐसे केक ही नहीं लगता और हमारी स्किन को ख़राब भी नहीं करता। और प्राइमर के लिए मैं यूज़ करती हूँ हमेशा एलोवेरा जेल प्राइमर, मुझे सूट नहीं करता, मुझे स्वेटिंग हो जाती है, तो मैं अपनी एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बेस कैसे की शुरुआत करें, तो आप प्राइमर से शुरुआत कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने अफोर्डेबल रेंज में दिखाया था कि मैं कौन सा इस्तेमाल करती हूँ कभी कभी, लेकिन मोस्टली मैं एलोवेरा जेल इस्तेमाल करती हूँ। अच्छे से अपने फेस को प्राइम कीजिए ताकि एक लेयर बनाए हमारी स्किन और मेकअप के बीच में, ताकि हमारी स्किन को डैमेज ना करे मेकअप। और प्राइमर लगाने से हमारा देर तक मेकअप टिकता है, इसलिए प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं हम। और ड्राई स्किन के लिए अलग आता है, ऑयली स्किन के लिए अलग आता है। ऑयली स्किन के लिए सिलिकन बेस आता है और ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेट प्राइमर आते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन कोई भी लगा सकते हैं, या तो ये एलेटीन वाला लगा सकते हैं या मेबलिन का सुपर स्टे। ये 24 आवर्स रहता है, ऐसे ये कहता है। हाँ, ये काफ़ी देर रहता भी है। हम लगाएंगे ब्लश। आज मैं ब्लश इस्तेमाल करने वाले अपने शेड जो हमने आईश में यूज़ किया है। थोड़ा सा स्माइल कीजिए और लगाइए। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लगना चाहिए ब्लश। अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसे। और अगर हमें ब्रॉन्जर लगाना अपने फेस को लिफ्ट करने के लिए, तो हम ऐसा एक ब्रश लेंगे, ऐसा, और उसे ऐसे लेके ये ब्राउन कलर लेंगे अपनी स्किन से, एक दो शेड डार्क ऐसे फेस करेंगे। थोड़ा सा नोज़ के पास भी कर लेंगे। जिनका नोज़ मोटा है, मेरा तो नहीं है इतना, लेकिन अगर किसी का मोटा है तो वो इससे अपना नोज़ छोटा दिखा सकता है। देखिए छोटा लग रहा है ना। और जो लाइन के यहाँ से लेके जो लाइन को शार्प दिखाने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब जो लाइन कितनी कम लग रही है। और जिनका फोरहेड बड़ा है मेरे जैसे, थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लेंगे। और अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। ऐसा फ्लफी ब्रश लेंगे और हाइलाइटर लेंगे जो हमारा फेवरेट हो कोई भी, उसे लेके नोज़ के सेंटर में, नोज़ के टिप पे स्ट्रेट, और चीक्स पे ऊपर की तरफ लगाएंगे। और थोड़ा सा लिप्स पे, थोड़ा सा फोरहेड पे, और आईब्रोज की लगाएंगे लिपस्टिक। मैं लगा रही हूँ ये मेहरून शेड।
सो दिस इज़ फाइनल लुक। मैंने हेयर स्टाइल कर लिया, इयर रिंग्स पहन ली हैं और आई लैशेज भी लगा ली हैं, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये लुक फेस्टिव सीजन के लिए। अगर आप इसे दिवाली पे या किसी शादी पार्टी में भी करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू।